was produced by Sunrise Apartment. फिलहाल इस बात का पता लगाने के लिए सर्वे चल रहा है कि नौकरदार परिवार के सभी सदस्यों का टीका लगाया गया है या नहीं। किसी कारण से टीकाकरण का डर फैलाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इसीलिए डर के अटैक से मरने वालों की संख्या कोविड की बीमारी से ज्यादा है। साथ ही पूरे राज्य में नागरिकों को कोरोना महामारी के प्रति जागरूक होना चाहिए और कोविड वैक्सीन के लिए आगे आना चाहिए। इसके लिए सरकार व प्रशासन को सहयोग करना आवश्यक है। कोविड निवारक टीकाकरण केंद्र स्थापित किए गए हैं। टीकाकरण के प्रति जागरूकता निर्माण करने के लिए स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता गांव के हर नागरिक तक पहुंच रहे हैं, लेकिन ऐसी खबर है कि जनता टीकाकरण का जवाब नहीं दे रही है। इसीलिए यदि स्थानीय प्रशासन द्वारा टीकाकरण नहीं किया जाता है तो राशन दुकानदारों से अनाज नहीं मिलेगा, ना ही कोई प्रमाण पत्र या किसी भी प्रकार का काम। राजस्व विभाग, घरकुल योजना, SHG, संजय गांधी निराधार, श्रावण बाल से कोई दस्तावेज नहीं मिलेगा, ये डर सता रहा है। महाराष्ट्र सरकार के जन स्वास्थ्य विभाग ने RTI में स्पष्ट किया है कि कोविड का टीकाकरण स्वैच्छिक मामला है, यानी टीकाकरण ना कराने वाले नागरिकों के लिए कोई भी सरकारी लाभ योजना बंद नहीं की जाएगी। राज्य के हर जिले में कोरोना पीड़ितों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, इसलिए शासन प्रशासन द्वारा टीकाकरण करने का आह्वान किया गया है। आपके अपने चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज की खबर सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूले।